नमस्कार, मैं प्रीति सिंह और स्वागत है आपका जीएन भारत की एक खास प्रस्तुति में, जहां हम झारखंड में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी के अलग अलग स्थानों से लोगों की प्रतिक्रिया आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल झारखंड विधानसभा की 2 सीटों को उपचुनाव को लेकर सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं, जिसे लेकर झारखंड के लोगों में काफ़ी हलचल देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में आज जीएन भारत की टीम राजधानी रांची के कांके रोड पहुंची। वहां पहुंचकर जब हमने लोगों से बात किया तो किसी ने शिक्षा को लेकर बात कही तो किसी का कहना था कि इन दोनों ही सीटों पर जिसकी भी सरकार बने उन्हें सड़क, पानी और बिजली की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जनता के हित के लिए काम करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि इस विषय पर क्या है लोगों की प्रतिक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? श्रुति सिंह। श्रुति जी, बताइए कि अभी जो 2 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि इस बार आपकी क्या उम्मीदें हैं? मेरे हिसाब से इन दोनों सीटों पे जो भी सरकार बने वो एजुकेशन के बारे में सोचे, क्योंकि हमारे झारखंड में जो एजुकेशन है वो बहुत पीछे है। एजुकेशन के मामले में झारखंड अभी बहुत पीछे है, तो मैं चाहूंगी कि जो भी सरकार बने वो एजुकेशन के ऊपर थोड़ा फोकस करे। मेरी यही अपील है इस बार की सरकार से। फिर भी आपको क्या लगता है कि इस बार कौन सी पार्टी जीत सकती है? देखिए, जो पार्टी अच्छा काम करेगी उसको मिलेगा, और मेरे हिसाब से बीजेपी के चांसेस हैं, बीजेपी जीत सकती है। ठीक है, धन्यवाद। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष हुआ। संतोष जी, आप बताइए कि अभी जो उपचुनाव होने वाले हैं 2 विधानसभा सीटों पे, तो आप एक लीडर में क्या क्वालिटी देखते हैं? आपको क्या लगता है कैसे लीडर होने चाहिए? हम अपने लीडर में एक ही चीज़ देखना चाहते हैं कि वो अपने एरिया पे ध्यान रखें, हमारे सड़क, बिजली, पानी की आपूर्ति सही समय पे किया जाए, और अन्यथा अपने जनता के हित पे काम करें, ना कि दूसरे के हित पे। आपका क्या नाम हुआ? आदित्य। आदित्य जी, आप बताइए कि अभी जो 2 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने वाले हैं, तो आपके हिसाब से किसकी सरकार बननी चाहिए, जेएमएम की कि बीजेपी की? बीजेपी की। क्यों? क्योंकि देखिए, बीजेपी जो है अभी तक जो सत्ता में रही है उन्होंने हमेशा निष्पक्ष काम किया है, वो हमेशा जनता के हित में काम करती है, और जो अभी जेएमएम की सरकार है वो हमेशा अपने लिए सोचती है, वो अपने जंगल राज चलाना चाहती है, जो कि हम ऐसा नहीं होने दे सकते। ठीक है, तो आप उनमें क्या क्या क्वालिटी देखते हैं कि वो क्या क्या काम कर सकती है जनता के लिए? बीजेपी, अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जनता के लिए हर एक काम कर सकती है, जैसे कि आपने पहले भी देखा है बीजेपी की सरकार में उन्होंने सड़क, बिजली, पानी, घर, शौचालय, हर एक तरह का काम किया, जो जेएमएम सरकार अभी तक अपना वादा करके भी वो पूरा नहीं करती है। आपका क्या नाम हुआ? आभा रानी दास। ठीक है आभा जी, आप बताइए कि अभी जो उपचुनाव होने वाला है, तो आपके हिसाब से कैसी सरकार बननी चाहिए, वो क्या क्या काम उनको करना चाहिए? रोड, नाली, लाइट, ये सब का, हम लोग का गली का व्यवस्था बहुत खराब है। अच्छा। नाली उली बहुत खराब हो रहा है, रोड खराब हो, टूट फट गया है। अच्छा। तो हम लोग तो बीजेपी को वोट दिए, वो सरकार तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग का, इसलिए अब बीजेपी को नहीं देंगे वोट। अब जो बढ़िया से हम लोग का फैसिलिटी करेंगे गली कुची का, उनको देंगे। अच्छा, तो आप कैसा सरकार चाहते हैं कि वो कैसा काम करे? सब व्यवस्था ठीक से करे, गली, रोड, सड़क, सब चीज का व्यवस्था, हम लोग का भी व्यवस्था अच्छा से देख सुन करे। लोगों से बात करके ये कहना मुश्किल हो गया है कि इन दोनों ही सीटों पर किसकी सरकार बनेगी। अगर आपको हमारी ये खबर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।